हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। आज आप सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बड़ी ही सरल तरीके से और बड़ी ही आसान तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम कैसे निकालें, इसके बाद में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक अवश्य देखिएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए ये संख्या दी हुई हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट में इसे एलसीएम बोलते हैं और हिंदी में इसे लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए तीनों, नहीं तो हो सकता है नाम चेंज करके आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए हिंदी में इसे लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये संख्या है, तो इसको हमें डिवाइड करना होता है। हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए इसको डिवाइड करना होता है, कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना है, यानी कि इसको काटना है, इसको भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास दो है, तो हम यहाँ पर दो से भाग देंगे इसमें, तो दो से भाग देंगे हम इसमें, तो जो 24 है हमारा 12 बार में कट जाएगा। दो से काटेंगे तो इसको 12 बार में यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। इसके बाद में क्या दो से अगर 25 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एक यहाँ पर विषम संख्या है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, यानी कि पूरी पूरी जो संख्या है वो डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर हम दो से भाग दे रहे हैं तो ये इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये पूरा कट नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पर 25 के ऐसे लिख देंगे, 25 के 25, और इसके बाद में हमारे पास 30 है, तो 30 यहाँ पर कट जाएगा। 30 कितने बार में कटेगा, यहाँ पर ये 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पर ये 15 आ जाएंगे। और यहाँ पर काटना तो आपको आता ही होगा, इसके बाद में फिर से आपको नीचे यहाँ पर लाइन खींच देना है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको फिर दो से काटना है। जब तक संख्या कटती रहेंगी तब तक हम उसी संख्या से काटते रहेंगे। दो से कट रहा है, यहाँ पर दो से 12 कट जाएगा, दो छिंग 12, तो 6 बार में यहाँ पर कट जाएगा। और 25 नहीं कटेगा दो से, तो 25 हम ऐसा ही लिख देंगे। और इसके बाद में हमारे पास 15 है, तो 15 भी दो से नहीं कटेगा, क्योंकि ये भी एक विषम संख्या है, सम विषम संख्या आप जानते ही होंगे। इसके बाद में क्या दो से फिर से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, क्योंकि 6 अभी भी कट जाएगा दो से, 2 3 6 तीन बार में कट जाएगा। और इसके बाद में 25 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे लिख देते हैं। इसके बाद में 15 भी हमारा नहीं कटेगा, ऐसे कैसे लिख देते हैं। इसके बाद में क्या आप दो से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम अब 3 से काटेंगे, तो 3 से कट जाएगा हमारे पास, 3 एकम, लाइन आपको ज़रूर खींच देना है। इसके बाद में 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर एक बार में कट गया। इसके बाद में 25 नहीं कटेगा, तो ऐसे कैसे लिख देते हैं 25, क्योंकि 3 8 24 होता है, 25 नहीं कट पाएगा पूरा। और यहाँ पर 15 कट जाएगा, 3 5 15, तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आप हमारा 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, आप कितने से कटेगा, 5 से, तो यहाँ पर 5 से हम काट लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं काटना, तो यहाँ पर अब ये 5 से कट रहा है, तो 5 से यहाँ पर 5 5 25, 5 बार में 25 हमारा कट जाएगा, 5 एकम 5, ये एक बार में कट गया, तो हमारे पास ये संख्या आई। फिर से 5 से कट रहा है यहाँ पर, और 1 का 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, और 1 का 1, तो हमारी जो पूरी संख्या, जब तक पूरी संख्या कट नहीं जाती हैं तब तक हमें काटना है, तब तक ए लास्ट में 1 1 नहीं आ जाएगा, तब तक हमको ये काटते रहना है। तो फाइनली हमारे 1 1 आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में 1 1 आ चुके हैं। तो जितनी भी संख्या है हमारे पास है, सब में 1 1 आना चाहिए नीचे। और इसके बाद में फाइनली जो हमारे पास संख्याएँ निकल कर आई हैं एलसीएम करने के बाद में, वो कुछ इस प्रकार से हैं, 2 2 2 3 5 5। तो हमें इसको किस में लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको गुणित में लिख देना है इसको, 2 गुणित 2 गुणित 2। इसके बाद में 3 हमारे पास 2 2 हैं, 1 2 3, अब इसके बाद में गुणित में 3 है। इसके बाद में हमारे पास 2 5 5 के हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो फाइनली हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख ली है।
अब इसको हमें कैसे करना है, अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो सभी संख्याओं का गुणा कैसे करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर एलसीएम आपको लिख देना है। और यहाँ पर इन सभी संख्याओं का गुणा अगर आपसे नहीं होता, क्योंकि आप हो सकता है छोटी क्लास में हो, तो आपको दो दो तीन तीन संख्याओं का गुणा आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो दूनी चार, चार का फिर दो में किया चार दूनी आठ, तो इसके बाद में आठ, और इसके बाद में आठ का फिर तीन में करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब इसके बाद में यहाँ पर आपको 24 लिख लेना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसका पाँच से और गुणा करना है, फिर हमारे पास पाँच और बचा, ये तीन संख्या और बची हैं, तो पहले हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों को करेंगे तो पाँच चौको बीस की, पाँच चौको बीस की जीरो हासिल आई दो, पाँच दूनी दस और दो बारह, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या संख्या बची, पाँच और बची, तो पाँच का और इससे गुणा कर लेते हैं, पाँच की जीरो में करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी, पाँच दूनी दस, दस की फिर से जीरो आ जाएगी, हासिल आ जाएगी एक, पाँच एकम पाँच और एक हासिल छः, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से 600। तो फाइनली जो हमारी सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद में जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है 600। तो यही हमारा फाइनली एलसीएम निकल चुका है। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 600, हमारा एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने ये जो कैलकुलेशन की है वो सभी आपको समझाने के लिए की है। तो दोस्तों हमने एलसीएम निकालना तो सीख लिया भाग विधि द्वारा, अब हम एचसीएफ निकालने वाले हैं, एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन हम इस बार जो एचसीएफ निकालने वाले हैं वो गुणनखंड विधि द्वारा निकालने वाले हैं, जबकि हमने एलसीएम निकाला था वो भाग विधि द्वारा निकाला था। और इसकी भाग विधि भी हम आपको बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, और जो एलसीएम है उसकी भी यहाँ पर गुणनखंड विधि है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से निकालना आपको बताएंगे, जो कि गुणनखंड विधि आपके लिए सिंपल पड़ेगी एचसीएफ निकालने के लिए। हमारे पास ये संख्या है 20, 30, 50, तो सबसे पहले हम एक एक संख्या का इसमें एचसीएफ निकालते हैं। तो हम सबसे पहले 20 का निकाल लेते हैं, तो 20 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो कितने, दो से कट जाएगी, ये कितने बार में कट जाएगी, ये 10 बार में कट जाएगी। और इसके बाद में हम 10 को काटते हैं, अभी भी दो से कट जाएगी, पाँच बार में कट जाएगी। और इसके बाद में फिर से काटते हैं, दो से नहीं कटेगा क्योंकि पाँच विषम संख्या है, तो ये पाँच से ही कटेगा। तो फाइनली हम पाँच से काट देते हैं, इसको एक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये काट लेना है। और इसके बाद में हम अगली संख्या का करते हैं, हमने 20 का कर लिया, अब हम 30 का करेंगे। तो हम 30 को भी कुछ इसी प्रकार से लिख लेते हैं, यहाँ पर 30 को भी हम कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको काटेंगे हम 30 को, 30 को काटेंगे दो से, तो ये 15 बार में कटेगा। अब क्या यहाँ पर दो से कट रहा है, ये 15 नहीं कटेगा, तो हम तीन से काट के देखेंगे, तीन से कट जाएगा, ती पाँचे 15 होते हैं, तो यहाँ पर पाँच बेर में ये कट जाएगा। क्या अभी भी ये तीन से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम इसको पाँच से काटेंगे तो पाँच एक बार में कट जाएगा, पाँच एकम पाँच, तो फाइनली ये हमारा 30 का भी हो जाता है। अब हमारे पास कौन सी संख्या है, 50, तो अब हम 50 को काटते हैं, 50 को भी कर लेते हैं कंप्लीट, यहाँ पर 50 लिखेंगे और यहाँ पर इसको काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये दो से कट जाएगा, फाइनली दो से कट जाएगा, क्योंकि 25 बेर में ये 50, 25 दूनी 50 होते हैं, तो यहाँ फाइनली दो से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बेर में। इसके बाद में क्या आप दो से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या तीन से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम पाँच से काटेंगे इसको, पाँच से जब काटेंगे तो ये पाँच से कट जाएगा, क्योंकि 25 होते हैं, क्या एक बार में एक बार और कट जाएगा पाँच से, तो काट लेते हैं, एक बार और कट जाएगा, पाँच एकम पाँच, जब तक एक एक नहीं आ जाएंगे तब तक हमारा ये जो सवाल है कंप्लीट नहीं होगा। तो फाइनली सबको हमने काट दिया है और हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि दो दो पाँच, दो तीन पाँच और दो पाँच पाँच। अब इनको हमको किस प्रकार से लिखना है, हमको नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है 20, 20 की संख्याओं को गुणित में लिख देते हैं पहले, तो 20, 30 और यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्या है, 50, ये हमारे पास संख्याएं हैं 20, 30, 50। थोड़ी सी ये स्याही थोड़ी सी ज़्यादा फेंक रही है, इस वजह से थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको समझ में तो आ रहा है। तो फाइनली हमने ये संख्या लिख दी है, 20 की जितनी भी संख्या है उन सभी को गुणित में लिख देते हैं हम, यहाँ पर दो गुणित
दो गुणित पाँच। आपको समझ में आएगा इसलिए हम स्पष्ट यहाँ पर लिख रहे हैं दूर दूर करके। और यहाँ पर इसके बाद में 30 की जो संख्याएं हैं वो भी लिख देते हैं, दो गुणित तीन गुणित पाँच फाइनली यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद में हमारे पास है 50 की जो संख्याएं हैं वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, दो गुणित पाँच गुणित पाँच। तो फाइनली कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है SCF निकालने के लिए। अब इसमें से SCF कैसे आएगा, तो जो भी कॉमन संख्या है इन तीनों में ऐसी संख्या आपको देखना है जो कॉमन है वो आपको निकालना है। तो फाइनली इसमें से कॉमन संख्या कौन सी है, कॉमन का मतलब समझते होंगे एक जैसी संख्या तीनों में, जैसे कि दो इसमें भी है दो इसमें भी है दो इसमें भी है, तो फाइनली हमारी दो यहाँ पर जो संख्या है वो कॉमन संख्या हो जाएगी तीनों में। यहाँ पर दो हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन संख्या हो जाएगी। इसको हम गोला में ले लेते हैं जिससे कि आप समझ पाओ। क्या हमारे पास फिर से दो है, नहीं है, अब दो नहीं है कॉमन संख्या। अब इसके बाद में तीन देखते हैं, तीन इसमें नहीं है, तीन इसमें अकेला है और इसमें भी नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट संख्या, तो पाँच, पाँच इसमें भी है और ऊपर सेकंड वाले में भी है और थर्ड वाले में भी है, तो तीनों में ये कॉमन संख्या पाँच आ रही है। तो यहाँ पर हम सेकंड को भी कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो संख्या निकल कर आ जाती हैं। तो हम दोनों को यहाँ पर लिख लेंगे गुणित में, दो गुणित पाँच। तो फाइनली दो संख्या हमारे पास कॉमन आई हैं, अब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो पाँच दूनी दस बराबर में दस जो हमारा SCF निकल कर आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दस। तो कुछ इस प्रकार से आपको SCF निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको LCM और SCF दोनों निकालना आ चुके होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई डाउट है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से SCF निकालना है और भाग विधि द्वारा कैसे आपको SCF निकालना है और गुणनखंड विधि द्वारा कैसे LCM करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको समझ में आएगा। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी दो विधि और आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो कि भाग LCM और SCF के लिए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो हमें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिएगा।